हर शुभ कार्य में तोरण बनाया जाता है, खास करके पूजा पाठ में तो ये बिल्कुल अनिवार्य होता है। मैंने आम के पत्ते का तोरण बनाया, मुझे मालूम नहीं था कि बहुत तरह के तोरण बनाए जा सकते हैं आम के पत्ते से। मैंने कुछ तोरण बनाए हैं, चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ फ्लावर्स और आम के पत्ते। आम के पत्ते के डंठल को हम यूं कट कर लेंगे, एक एक करके सारे पत्तों को हम कट कर लेंगे। अब हम पत्तों का एक पैटर्न बना लेंगे जिससे ये सर्कल शेप में बन जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम सुई के हेल्प से इसे हम सिल लेंगे। थोड़ा मोटे धागे का इस्तेमाल करना है इसमें। अब यहाँ फ्लावर लगाएंगे हम इस तरीके से, और इसे भी नीचे से यूं घुमाते हुए हम सिल लेंगे। ये सिल चुका है, अब हम इसे लॉक कर लेते हैं और कट कर लेंगे। फूल और पत्तों का हमारा ये पैटर्न तैयार हो चुका है। चलिए अब लटकन तैयार करते हैं। फूलों को हम एक धागे में पिरो लेंगे इस तरीके से। हमने जो फ्लावर का पैटर्न बनाया था उसे एक धागे में पिरोएंगे ताकि एक बेस बन सके हैंगिंग का। मजबूत धागे का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये वजन ले सके फूलों का। अब हम लटकन्स को पैटर्न्स के बीच में बांधते हुए हैंग करेंगे। सारे लटकन्स को हम यूं ही बांध लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत तोरण बनकर तैयार है, बहुत ही खूबसूरत बना है। इसके लिए मैंने लिया है कुछ आम के पत्ते। अब आम के पत्ते को हम यूं फोल्ड करेंगे और तिनके के हेल्प से हम इसे लॉक कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे पत्तों को लॉक कर लेंगे। ये हमने लॉक कर लिया है। अब हम चंदन लगाएंगे पत्तों के ऊपर, फिर सिंदूर लगाएंगे, थोड़ा सा चावल लगा लेंगे और फूल को पिरोएंगे हम पत्तों के साथ। इस तरीके से हम सारे पत्ते और फूल को पिरो लेंगे। देखिए कितना सुंदर तोरण बनकर तैयार है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन टू यू ऑल।